हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। तो दोस्तों, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है मेल और फीमेल, इन दोनों में से हम कौन सा खरीदें, मेल खरीदें या फीमेल। बहुत से भाई का बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जो भी फर्स्ट टाइम ओनर है उनको नहीं पता रहता क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं मेल फीमेल की, मतलब हमें मेल खरीदना चाहिए या फीमेल। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक पर ये पूरी वीडियो में बताऊंगा मेल फीमेल दोनों की प्रॉब्लम क्या क्या है, क्या क्या दिक्कत आती है उनको पालने में, और क्या क्या उनके प्रॉफिट है, और हमें लेना कौन सा चाहिए, आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा है। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहना, स्किप मत करना। और दोस्तों, अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट टाइम ओनर, जब भी मेरे पास बहुत सी कॉल आती हैं तो सभी भाई ये पूछते हैं, भाई मैं पहली बार डॉग ले रहा हूँ तो मेरे को मेल लेना चाहिए फीमेल। तो दोस्तों, पहले मैं प्रॉब्लम की बात कर लेता हूँ। आप फीमेल लेते हो और मेल लेते हो, भाई फीमेल ऐसी बात है, फीमेल 8 महीने तक तो बहुत आराम से रहेगी, जब आप पपी लेते हो 8 महीने तक आराम से। 8 महीने के बाद दोस्तों जब वो हीट पर आएगी तो 12-13 दिन वो हीट पर रहती है। तो दोस्तों, जब वो हीट पर आएगी तो ब्लडिंग करती है, ब्लडिंग कोई कोई फीमेल बहुत ज़्यादा कर देती हैं, करती हैं। तो दोस्तों, जब वो ब्लडिंग करेगी ना तो आपका घर बहुत ज़्यादा गंदा होगा, आपको घिन भी बहुत लगेगी। तो यह है फीमेल की प्रॉब्लम। और दोस्तों, अब मैं आपको बता दूँ मेल की प्रॉब्लम। मेल की प्रॉब्लम ऐसी है दोस्तों, पहले तो वो कुछ नहीं करेगा, जब वो थोड़ा एडल्ट हो जाएगा उसको रिक्वायरमेंट, उसको ज़रूरत पड़ेगी मेटिंग की। अगर दोस्तों बाई चांस आप मेल की मेटिंग नहीं कराना चाहते, तो दोस्तों क्या होता है ना, कई बार ऐसे मेल, कई बार देखा गया, ऐसा नहीं है हर मेल करेगा, नो, कई बार ऐसे केस देखे गए हैं कि मेल घर के लोगों के ऊपर चढ़ने लगता है। तो दोस्तों, ये है मेल की प्रॉब्लम। और अब हम कर लेते हैं प्राइस की बात। दोस्तों, फीमेल बहुत सस्ती आ जाती है मेल के मुकाबले। अब जैसे जर्मन की फीमेल देख लें, 6.5-7.5-8 तक की आ जाती है अच्छी क्वालिटी में, और मेल वहीं आता है 12-13-14-16 हज़ार ऐसे कुछ। अब आप देख सकते हो दुगना प्राइस का फ़र्क हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर हो गया प्राइस का फ़र्क। और दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट की, इन दोनों में प्रॉफिट क्या है। दोस्तों, फीमेल का ऐसा, देखो महीने में ये 2 बार हीट पर आती है, 6 महीने बाद ये दोबारा हीट पर आती है। पहली हीट आएगी 8 से 9 महीने में, इस पर आ जाएगी, आपको मिस करानी पड़ेगी। सेकेंड टाइम हीट आएगी वही आपकी 13वें-14वें महीने में। तो दोस्तों, जब आप इसको क्रॉस करवा सकते हो, क्रॉस करवा के दोस्तों आप इससे पपी लीजिए, सेल कीजिए, अच्छी ब्रीड का कोई क्वालिटी का पपी लीजिए, फीमेल लीजिए, आप इसके पपी सेल कर सकते हो साल में 2 बार। अब मान लीजिए ये 8 पपी दे देती है एक बार में, जैसे जर्मन की ले लो, 8 पपी दे देती है, अब उससे आप एक बार में 30,000-25,000-40,000 रुपये कमा सकते हो। तो साल में वही आपकी इनकम होगी 80,000, जिसमें से उसका खर्चा पानी होगा, पपी का खर्चा पानी होगा, आपकी मेहनत होगी उसमें से हटा लीजिए, ठीक है। और अगर आप मेल लेते हो तो दोस्तों, मेल का क्या फ़ायदा है, मेल का है स्टड। दोस्तों, आप भी इस बात को जानते हो, फीमेल हीट पर आएगी तो मेल की ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी। जिस तरह कार को पेट्रोल की ज़रूरत होती है, उसी तरह मेल की भी ज़रूरत होती है मेटिंग के लिए। तो दोस्तों, जितनी वैल्यू फीमेल की उतनी वैल्यू मेल की भी है। दोस्तों, फीमेल में आप साल में 2 बार इनकम कमा सकते हो, लेकिन मेल में आप हर हफ्ते इनकम कमा सकते हो। दोस्तों, सभी कहते हैं अच्छी क्वालिटी का पपी लीजिए, अच्छी क्वालिटी का। जी हाँ दोस्तों, किस लिए अच्छी क्वालिटी का लेते हैं? दोस्तों, अगर आप विद पेपर एक अच्छी लाइन का मेल लोगे तो दोस्तों उसकी मेटिंग फीस होगी 20,000-25,000-30,000 रुपये। अब वहीं आप नॉर्मल 10,000 वाला मेल ले लेते हो, 12,000, तो उसकी मेटिंग फीस क्या होगी, 3,000-4,000 रुपये बस। या आपको एक छोटी नॉर्मल क्वालिटी का पपी मिल जाएगा, आप उसको सेल कर लोगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप वहीं आप एक टॉप क्वालिटी का बच्चा लेते हो, अच्छा, जब वो स्टड तैयार हो जाता है तो एक मेटिंग के 25-30,000 रुपये लेता है, 2-2 पपी भी ले लेता है, दोस्तों आप उनको सेल करके और अच्छे रुपये कमा सकते हो। तो दोस्तों, ये थे मेल के प्रॉफिट। और दोस्तों, हमेशा अच्छी क्वालिटी में पपी लेना चाहिए। देखो, फीमेल अगर आप अच्छी क्वालिटी लोगे तो अच्छी क्वालिटी से मेटिंग कराना, अच्छी क्वालिटी के पपी होंगे, उतना अच्छा कमा पाओगे। और मेल लोगे, उतना अच्छी पपी निकलेगा, उतना अच्छा स्टड निकलेगा दोस्तों, उतने अच्छे आपको मेटिंग के रुपये मिलेंगे। अगर आपकी मेल अच्छी लाइन का है दोस्तों, तो आप मान लीजिए मेटिंग के लिए आपके पास ऑफर आने वाले हर महीने, हर हफ्ते आएंगे दोस्तों, तो आप फीमेल से ज़्यादा इनकम कमा सकते हो मेल में अगर आप एक अच्छी लाइन का लेते हो। दोस्तों, मैं रिक्वायरमेंट करूँगा, आप नॉर्मल घर में रहते हो तो फीमेल पर जोर दीजिए। देखो, एक तो कम रेट में मिल जाती है और पैसे भी अच्छे कम जाते हैं। और जो भाई अगर मेल अफोर्ड कर सकते हैं तो दोस्तों मेल अफोर्ड करने के लिए मैं कहूँगा। दोनों में मैं कोई ये नहीं कह रहा भाई कि आप फीमेल ही खरीदो या मेल ही खरीदो, नहीं, वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड है, कैसी आप क्वालिटी लेना चाहते हो, आपका घर का साइज कितना है ना, डाइट वगैरह, ये सब डिपेंड करता है वो आपके ऊपर, आप कितना उसका बजट रख सकते हो, आपका बजट कितना है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, अगर आपको सही में अच्छी लगी हो वीडियो, और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में दोस्तों। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।